सभी दर्शकों को सादर जय श्री राम। साथियों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे घर की सेना नष्ट हो जाने पर रावण को सूचना, घर और दूषण का वध हो जाने पर घर की एक अकंपन नामक सैनिक ने, जिसने किसी प्रकार से भागकर अपने प्राण बचा लिए थे, लंका में जाकर रावण को घर की सेना के नष्ट हो जाने की सूचना दी। रावण के समक्ष जाकर वह हाथ जोड़कर बोला, हे लंकेश, दंडकारण स्थिति आपके जनस्थान में रहने वाले आपके भाई खर और दूषण तथा उनकी 14,000 सैनिकों का वध हो चुका है। किसी प्रकार से अपने प्राण बचाकर मैं आपको सूचना देने के लिए आया हूँ। यह सुनकर रावण को भारी क्रोध आया। उन्होंने कहा, कौन है जिसने भाइयों का सेना सहित वध किया है? मैं अभी उसे नष्ट कर दूंगा, तो मुझे पूरा वृत्तांत बताओ। अकंपन ने कहा, हे लंकापति, अयोध्या के राजकुमार राम ने अपने पराक्रम से अकेले ही सभी राक्षसों वीरों को मृत्यु के घाट उतार दिया। इस समाचार को सुनकर रावण को आश्चर्य हुआ और उनसे पूछा, खर को मारने के लिए क्या देवताओं ने राम की सहायता की है? अकंपन ने उत्तर दिया, नहीं प्रभु, देवताओं से राम को किसी प्रकार की सहायता नहीं मिली है, ऐसा उसने अकेले ही किया है। वास्तव में राम तेजस्वी, शक्तिवान और युद्ध विधा में पारंगत योद्धा है। खर जैसे रणबांकुरे जिसकी एक गर्जना से सारे देवता कांप जाते थे, उनकी शक्तिशाली सेना सहित उसने खेल ही खेल में समाप्त कर दिया। उसका रणकौशल देखकर मुझे प्रतीत होता है कि आप अपनी संपूर्ण सेना के साथ युद्ध करके भी उसे परास्त नहीं कर पाएंगे। मेरे विचार से उस पर विजय पाने का एक ही उपाय है, उसके साथ उसकी अत्यंत रूपवती लावण्यमयी और सुकुमारी पत्नी भी है। राम उससे बहुत प्रेम करता है, वह अपनी पत्नी के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। मेरा विश्वास है, यदि आप किसी प्रकार उसका अपहरण कर ले आए तो राम उसके वियोग में स्वयं ही मर जाएगा। लंकेश रावण को अकंपन का यह प्रस्ताव सर्वथा उचित प्रतीत हुआ। तत्काल ही वह अपने दिव्य रथ पर सवार होकर आकाश मार्ग से उड़ता हुआ अपने परम मित्र मारीच के पास पहुंचा। बिना किसी पूर्व सूचना के रावण को अपने सम्मुख पाकर मारीच बोले, हे लंकापति, आज आप यहाँ पर अचानक, क्या कारण है? आपकी इतनी हड़बड़ी देखकर मेरे मन में नाना प्रकार की शंकाएं उठ रही हैं। लंका में सब कुशल तो है? रावण ने कहा, मैं एक विशेष कारण से ही यहाँ आया हूँ। अयोध्या के राजकुमार ने मेरे भाई खर और दूषण को उनकी सेना सहित मार डाला है। अब मैं चाहता हूँ कि राम की पत्नी का अपहरण कर लूँ और इसके लिए मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। सीता के वियोग में राम युद्ध किए बिना ही तड़प तड़प कर मर जाएगा और मेरा प्रतिशोध भी पूरा हो जाएगा। रावण के वचनों को सुनकर मारीच बोला, हे लंकापति, तुम्हारा यह विचार सर्वथा अनुचित है। जिस किसी ने भी तुम्हें सीता को हरने का सुझाव दिया है, वह वास्तव में तुम्हारा मित्र नहीं, शत्रु है। राम अत्यंत बलशाली और पराक्रमी है और तुम उससे किसी भी प्रकार नहीं जीत सकते। राम के होते हुए तुम उससे सीता को नहीं जीत सकते। उसके अद्भुत पराक्रम के सम्मुख तुम एक क्षण भी नहीं टिक सकोगे। तुम्हारा हित इसी में है कि तुम इस विचार को भूलकर चुपचाप लंका में जाकर बैठ जाओ। मारीच का उत्तर सुनकर निराश रावण लंका लौट आया। साथियों, आज के प्रसंग में हमने जाना खर दूषण का वध होने पर रावण को सूचना मिली। अगले प्रसंग में फिर मिलते हैं। जय श्री राम।